सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। एक हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. India, बोलने लगी है। ये शिमला अग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। क्या बैड न्यूज है जेपी? शिमला अग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, विच वन? संजय, अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। ये देश एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस सबकी बिजली काट दो। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा? हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 और मिला क्या है मुझे इस देश से? तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? हमारी पार्टी नूं वोट चाहिए ने, ते सानू चाहिदा है खालिस्तान। India is Indira. And Indira is Indira.